दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मैं अभी मौजूद हूं भादवा माता चौराहा पर, मेरे साथ जनता जनार्दन मौजूद है। आइए बात करते हैं कि इस गांव में, इस क्षेत्र में किस तरह के विकास कार्य हुए हैं, क्या समस्याएं हैं यहां पर। हां भाई साहब, किस तरह के काम हुए हैं यहां पर, क्या समस्याएं हैं यहां पर। समस्या तो कुछ भी नहीं है सर। हाँ, विकास कार्य क्या क्या हुए हैं? विकास कार्य तो अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक है। हाँ, किस तरह की नहीं, किस तरह के पूछना चाहते हैं आप? भादवा माता मंदिर में या भादवा माता परिसर में, गांव में किस तरह के काम? भादवा माता में तो अच्छा से काम चल रहा है, कॉरिडोर का मुख्यमंत्री जी ने किया, अच्छा किया है। हाँ, काम अच्छा, व्यवस्था है, व्यवस्था भी अच्छी है, चल रहा है, ठीक। विधायक जी का कैसा काम काज? विधायक जी का हमारे गाँव में कुछ काम नहीं हुआ है। अच्छा, चुनाव के टाइम आए थे और चुनाव के बाद आए ही नहीं गाँव में। हाँ, यहाँ आते हैं जवासा चौराहे पे, 5-10 जनों को मिलकर चले जाते हैं और गाँव वालों से कोई मतलब है नहीं। गाँव वाले हमारे अभी समय में 2.5 लाख रुपए दिए शमशान रोड के विधायक जी ने, और हमें कोई पहले सुविधा मिली नहीं जी। भाई साहब, आप क्या कहेंगे, नीमच विधानसभा क्षेत्र में आता है, इस गांव में किस तरह के काम हुए हैं, क्या समस्या है गांव वालों की, क्या कहेंगे? आप इनसे पूछो। हाँ, बढ़िया चल रहा है। हाँ, किस तरह का काम हुआ है गांव वालों को, क्या खास बात? अच्छा काम चल रहा है, बढ़िया, विधायक जी भी अच्छे हैं और हाँ अच्छा चल रहा है। आप टिकट किसको देते हैं? वो तो पार्टी के ऊपर आधारित है। आप किसको चाहते हैं? हम जो अच्छा काम करेगा उनको देंगे और क्या। हाँ, अभी विधायक के कामकाज से खुश हैं आप? खुश हैं, खुश हैं। हाँ, आप बताइए बाबू जी, क्या कहेंगे आप जी? किस तरह किसानों को यहाँ गांव में कोई समस्या है या क्या काम हो रहे हैं यहाँ पे? काम तो ठीक हो रहे हैं। हाँ, क्या क्या काम हुए हैं यहाँ पे? काम तो सर विधायक निधि से तो हमारे वहाँ तो कुछ काम हुआ नहीं है। हाँ, कुछ भी काम नहीं, नहीं हुआ, नहीं हुआ। विधायक जी तो पहले चुनाव में वोट लेने आए थे, उसके बाद तो संपर्क ही नहीं है। जो सर्वे सर्वा बड़े नेता है उनसे हाथ मिला के हाय बाय करके निकल जाते हैं बस, और गांव वाले तो उनको उनकी नज़र में ही नहीं है। गांव वाले उनकी नज़र में नहीं है। चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का तो हम जन्म जात से बीजेपी में ही है। हाँ, और भूतपूर्व विधायक जी आए तो हम तो वोट देने वाले हैं नहीं। भूतपूर्व विधायक को नहीं देंगे? नहीं देंगे। भूतपूर्व विधायक कौन है? परिहार जी। परिहार जी तो अभी भी विधायक। हाँ, तो बस तो अभी भी आ जाए वो तो हम उनको सहयोग नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे भाई साहब, कुल मिला के गाँव की समस्याओं पे, विकास पे, यहाँ पे कॉरिडोर का भी निर्माण हो रहा है, किस तरह की बात कहेंगे आप? तो सर जी ऐसा है कि जो अभी जैसे कि 5 साल का कार्यकाल निकला। हाँ, तो उसमें तो योजना कोई एक लागू की नहीं। हाँ, अब जब वोटिंग का टाइम आया तो अब धड़ाधड़ एक के पीछे एक योजना पर योजना की। हाँ, लाठी लगा रहे हैं। हाँ, अब मेरी बात सुनिए आप, बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, ठीक है, और किसानों के लिए कुछ नहीं किया है। अगर अभी फसल बीमा की अभी मेरे गाँव में बात हो रही थी कि फसल बीमा किस किस के आया, किसी के नहीं आया अभी फसल बीमा। और आप सोचिए कि वन क्लिक के माध्यम से फसल बीमा डालने की बात सुनी थी मैंने। हाँ, है ना, तो वन क्लिक के माध्यम से तो सभी के खाते में आ जाना चाहिए था। हाँ, तो हमारे गांव में तो फसल बीमा आया भी नहीं अभी तक जवासा में, है ना, और इसलिए हम भी नाराज़ हैं इस सरकार से। और अगर टिकट अब किसको मिलता है तो उसके लिए क्या है कि जो अब जैसे कि अच्छे युवा नेता जैसे तरुण भाईती जी है, अगर टिकट मिलता है तो उनके साथ हैं, अगर अच्छा काम करेंगे वो भी तो उनके साथ रहेंगे। हाँ, ये है बात। अभी मैं ये जवासा चौराहे पे सब्जी की दुकान पे आया हूँ, ये भाई साहब मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये जो करेले हैं, नेता करेले जैसे कड़वे होते हैं या मीठे होते हैं, कैसे लगते हैं नेता? कड़वे। कड़वे नेता करेले जैसे कड़वे होते हैं। यहाँ के नेताओं के लिए क्या कहेंगे? यहाँ के नेता के लिए क्या कहूँगा, वोट लेने के बाद फिर मुंह दिखाने तो आते ही नहीं। हाँ, फिर क्या कहें, कभी नहीं आए दिखाने के कभी लिए, कभी नहीं आते, जरूरत पड़ती है तब आते ही नहीं। आप कब से सब्जी का काम काज कर रहे हो? मैं 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ, आपको कोई सरकारी योजनाओं का लाभ फायदा कुछ मिला? कुछ नहीं मिला अभी तक तो, कुछ नहीं मिला तक, कुछ भी नहीं मिला। विधायक जी ने यहाँ पे कॉरिडोर वगैरह का काम करा रहे हैं, मंत्री जी ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री जी ने, क्या कहेंगे? मकान ही नहीं मिला सर। वो हमें तो कोई उसका कुछ लाभ मिला ही नहीं है। हाँ, बाकी
हाँ हाँ बोलिए। हमें तो उसका कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन किसी भी चीज का कोई लाभ नहीं, नहीं। आप क्या कहेंगे ऐसा? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, और क्या मेरे हाँ। हमारे को कोई लाभ नहीं मिला हाँ। अभी तक मकान भी नहीं मिला। हम नरसिंह इस ठेला गाड़ी पे काम कर रहे हैं, बेचे सब्जी का काम करते हैं, हमारे कोई जगह जमीन कुछ नहीं है, तो भी हम इसी योजना में बैठे हैं, और योजना के लिए हम मकान के लिए बैठे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है हमारी। मकान के लिए कितने कागज़ दे दिए हमारे, अभी तक सुनवाई नहीं। लिस्ट में नाम आया हुआ है, अभी तक मकान नहीं मिला है हमारे। विधायक जी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है? नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है हाँ। कुछ नहीं, काम भी नहीं किया हमारा, तो हम तो जैसे कि जैसे ही है, क्या मिल रहा है हमारे को? ये सब्जी बेच रहे हैं हम, ना हमारा कोई कुछ जमीन है, ना जगह है, इस पे ठेले पे बैठे हैं और मजदूरी करते हैं बेच, और क्या सरकार का कोई फायदा ही नहीं है। बोलो। हाँ भाई साहब, सब्जी लेने आए हैं आप? हाँ, सब्जी लेने आए। क्या नाम है आपका? मदन लाल जी चौहान है सर। मदन लाल जी, मदन लाल जी, यहाँ पे गांव में किस तरह की समस्या है, क्या काम हुए? समस्या तो किसको कहें सब, बढ़िया सबकी समस्या कौन सुने, किसकी बढ़िया समस्या है? सरकार को सुनाइए ना, आप वोटर हैं। सुनेंगे सरकार साइड तो ठीक है, कहीं मतलब सरकार से संतुष्ट है आप? सबकी संतुष्ट है आप, कई करा मैं समझ में नहीं रहे करूँ तो कौन कौन कई गिरे, तो कौन कण के होने आजकल, तो छोटो है वही नहीं रहा, तो मोटा कण की होनी रहा आजकल, सब अपना पेट भरवागा सक्कर में और कण अपनी पेट पूर्ति जान वे तो दे नहीं, तो टंडर बारी ठीक है कहीं दे। सरकार की योजना का लाभ मिला के नहीं मिल रहा? सब है, मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है, फिर आप सरकार से नाराज दिख रहे हैं? अरे तो कई करा देखो नहीं भी कई गिरे भी तो वर्षा की भी तो होनी रहा, अभी तो संतुष्टि कौन है? कौन? वकील चावड़ा। कहाँ रहते हो? सिरखेड़ा। सिरखेड़ा हाँ। यहाँ पे क्या करने आए हो? यहाँ ये मोटर के, ये मोटर ठीक कराने हाँ। आए थे। गांव में आपके कैसा काम चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बढ़िया हाँ। विधायक जी का कामकाज कैसा है? ठीक है। क्या इस बार चुनाव का क्या माहौल है गांव में? अच्छा है, ठीक है। किसानों को लाभ मिल रहा है? नहीं मिला। किसानों को क्या नुकसान हुआ है? नुकसान, आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है सर। क्या वजह है ये क्या मालूम? नहीं, किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी, क्यों बिगड़ी हुई है? ये नोटबंदी हुई ना, जब से आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई, नोटबंदी की वजह से आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है। और क्या परेशानी आ रही है? बस कुछ, अभी वर्षा कम हुई। हाँ, वर्षा भी कम हुई, फसल चौपट हो गई हाँ, उसका और बारिश कम होने से किसानों को ये, किसानों के ये क्या मुआवजा वगैरह हाँ, और किसानों के लिए ये भी समस्या खड़ी हुई कि फसल, ये फसल तो ख़त्म होगी हाँ। ये और आएगी जो भी नहीं आएगी, उस हिसाब से सरकार की योजना का किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, फिर मिल रहा, किसानों को लाभ मिल रहा है। यहाँ हम होटल पे आए हैं, देखिए ये जवासा चौराहा पर होटल है, यहाँ पर ये भैया जो है होटल के मालिक कचौरी तल रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं किस तरह की बात। भाई साहब, होटल चला रहे हैं आप यहाँ पे, आप वर्षों से हैं इस गांव में, यहाँ के चौराहे पर या भादवा माता जवासा की बात करें तो किस तरह की यहाँ पे सरकार के विकास काम हो रहे हैं जो हुए? बहुत अच्छे काम हो रहे हैं विकास के हाँ, यहाँ भी हो रहे हैं गांव में और भादवा माता में भी हो रहे हाँ, एक नंबर हो रहे काम, कोई दिक्कत नहीं है। समस्याएं वगैरह कुछ है गाँव? समस्या नहीं है सर। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिल रहा है गांव में? ये तो नहीं मिल रहा है, रोजगार तो नहीं मिल रहा सर युवाओं को हाँ, बाकी और कोई समस्या नहीं। रोजगार की मुख्य समस्या है हाँ, रोजगार की मुख्य समस्या। और क्या कहेंगे? और बस कुछ नहीं, यही है, बस यही समस्या सर, और कुछ समस्या, बाकी सही सर चल रहा है। जवासा चौराहे पर जय माँ भवानी मोटर वाइंडिंग की एक दुकान है, यहाँ पर कई लोग मेरे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। सर, जवासा चौराहे पर आप लोगों की दुकान है, काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे होंगे, किस तरह के यहाँ पर गांव में विकास काम हुए हैं, क्या समस्या है, क्या विकास पे तो यहाँ ये मोटर थोड़ी बांधता है, क्या नौकरी पर लागता हाँ, क्या विकास नहीं हुए हैं? कशो विकास भी रहा है गांव में, किसी तरह का विकास गांव में भी रहा, चौराहे पे तो कहीं नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है चौराहे पर, किस तरह की समस्या है? बराबर कहीं नहीं कहा सर, बस कहा और बात। भाई साहब, मैं लो आप भी आ जाओ,
भाई साहब जवासा चौराहे की बात करें, भादवा माता की बात करें, तो किस तरह के यहाँ पे काम हुए हैं और क्या समस्या है आपकी निगाह में यहाँ पर? समस्या तो कुछ भी नहीं है अभी। हाँ। समस्या तो यह है कि ये मतलब गांव में अच्छा कार्य हो तो अच्छी बात है। हाँ। और हमको तो कुछ अभी तक सरकार से कुछ मिला नहीं, लेडीज़ को भी कुछ नहीं मिला। फार्म भरने गए थे अभी, जो घर पे फार्म भर के वापिस भेज दी जी, है ना। हाँ। हम लोगों को तो कुछ मिलता है जुलता है नहीं, तो भी हम वोट तो देते ही कि हाँ। और भादवा माता में जो काम हो ही रहा है। हाँ। माता जी आप लोग काम से संतुष्ट हैं विधायक के? जो भी आए उससे संतुष्ट हैं, कोई भी आओ बोले। हाँ। विधायक जी आते हैं? हाँ। आते हैं ना, यहाँ तो चौराहे पे तो रोज आते हैं विधायक, चौराहे पे रोज आते हैं। आप लोगों से मिलते हैं? हमसे नहीं मिलते। अच्छा, सब जगह जगह थोड़ी मिल जाते हैं। कहीं रुक के चले जाते हैं। गांव में आप क्या चाहते, क्या काम होने चाहिए गांव में? तो क्या काम, ये बढ़िया अपने लाइटें वाइटें होना चाहिए, पानी की व्यवस्था और शमशान घाट में अच्छा व्यवस्था और है व्यवस्था है। अभी कुछ है, कुछ है नहीं, कुछ कभी लाइटें वाइटें है नहीं, यूँ अब धीरे धीरे होता ही होगा। आप क्या कहेंगे? शिवराज सिंह जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ। और काम अच्छा चल रहा है। लाडली लक्ष्मी योजना के पैसे मिल रहे हैं, मुआवजा भी दे रहे हैं शिवराज सिंह जी। और कोई परेशानी आ रही? कोई परेशानी नहीं, संतुष्ट है? संतुष्ट है बिल्कुल। किसानों को दिक्कत? फसल बीमा भी मिल रहा है, अभी तो देखा नहीं है कि बैंक में आया नहीं आया, क्या मालूम, देखना पड़ेगा। नहीं आया होगा। सर गांव की जवासा की बात करें, भादो माता की बात करें, तो किस तरह की यहां पे समस्या है या किस तरह के विकास काम हुए, चुनाव आ रहे हैं, क्या कहेंगे? यहां पे देखो मैं बताऊँ आपके, बढ़िया काम किया शिवराज सिंह जी ने। और समस्या कुछ नहीं, इन्होंने लाला सरपंच बनाया यहाँ पे, लाला सरपंच ने बढ़िया काम किया, आरसीसी करवाई गांव में, मतलब बढ़िया अच्छा मतलब बनाया। और दिलीप सिंह जी ने भी अच्छा काम किया, इन्होंने पैसे दिए खूब। और यहाँ पे पुलिस थाना ही बन गया, और हमारे एक तरही थी उसको भरा के छिमने का काम भी करा दिया दिलीप सिंह जी ने। और गांव में सब आरसीसी वगैरह वगैरह एक नंबर काम कर दिया शिवराज सिंह ने, बढ़िया काम किया साहब। समस्याएं कुछ है गांव में? गांव में समस्या तो रहती है छोटी मोटी। अब ये समस्या तो पंचायत की, सरकार तो पैसे दे रही है, अब पंचायत वाले सफाई करते नहीं करते, ये तो पंचायत के ऊपर है। बाकी वो काम ठीक है जो बस। चुनाव का माहौल है? हाँ। क्या लग रहा है चुनाव माहौल में? तो ऐसा है कि अभी कुछ कह नहीं सकते किसकी सरकार बनने की उम्मीद है। सरकार की अभी तो क्या मालूम, इसका कोई कह नहीं सकते अभी। हाँ। के लोग कह रहे हैं कांग्रेस की बनेगी, हम कह रहे हैं बीजेपी की। हाँ। तो हमारा तो उम्मीद है कि वो बीजेपी की बनना चाहिए, बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, हम गए बोली चाहे कांग्रेस के हैं पर बाकी बनना ये चाहिए, क्योंकि इन्होंने काम अच्छा किया महिलाओं के लिए किया इन्होंने, मतलब हर क्षेत्र में काम अच्छा किया है। स्कूल बना रहे हैं, ये बना रहे थीमराइज स्कूल है सब है, तो इस हिसाब से हर मुख्यमंत्री ये बनना चाहिए। जवासा चौराहे पर हमने जनता की राय यानी विकास कार्यों और समस्याओं को लेकर, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ भी दिखाई दिए कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए हैं। हाँ, उन लोगों ने अपनी बातों में इस बात को स्वीकार ज़रूर किया कि भादवा माता में जो कॉरिडोर का काम हो रहा है ये काम निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन बाकी लोगों का ये कहना था कि विधायक को लेकर उनका ये कहना था कि उनका जो संपर्क है वो चंद लोगों तक सीमित है और आम जनता की जो समस्या है उससे वे सरोकार नहीं रखते हैं। वहीं पे कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भादवा माता की बात करें, जवासा चौराहे की बात करें, तो विकास कार्य हुए हैं और लोगों ने अपनी अपनी राय प्रकट की, लेकिन वो असली बात जो आती है कि उनका फैसला जो है 17 नवंबर को ही
किसके पक्ष में होता है ये देखने वाली बात होगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।